नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम देखेंगे मल्टीमीटर का यूज़, कि मल्टीमीटर का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। सामान्यतः लैब में और कक्षा 12 के प्रैक्टिकल में और घरों में नॉर्मली मल्टीमीटर का जो यूज़ है वो किया जाता है। हम देखते हैं सब इसमें यूज़ जो है वो किस प्रकार से करना है। हमारे पास मल्टीमीटर है और ये मल्टीमीटर की लीड है। इसे सबसे पहले कनेक्ट कैसे करना है, जो ये ब्लैक लीड है इसको, ये हमेशा इसका जो अर्थिंग पॉइंट है, कॉमन पॉइंट, इसके अंदर इसको लगाना है। और जो अपना रेड टर्मिनल है इसको यूज़ करना है, इसमें जहाँ वोल्टेज का, ओम का में और एम्पियर का सिंबल है, इसके अंदर इसका यूज़ करना है। अब हमें बात करेंगे इसके बारे में कि क्या क्या यूज़ है। सबसे पहले हम इसके सिंबल देख लें, इसके अंदर कौन कौन से सिंबल हैं, और उन सिंबल्स के अकॉर्डिंग फिर बात करेंगे कि किसको उपयोग जो है वो किस प्रकार से करना है। यहाँ देखें, एक इस तरह का सिंबल है अपने पास, वी के आगे स्ट्रेट लाइन लगी हुई है। फिर आगे इसी तरह से वी के आगे इस तरह से थोड़ा परिवर्तनशील जो लाइन है, चेंजेबल वैल्यू, वो लगी हुई है। तो एक सिंबल अपने पास इस तरह से है, पहले सिंबल बना लेते हैं अपने। एक इस तरह का सिंबल है जिसमें एक ये स्ट्रेट लाइन और इस तरह डॉटेड लाइन लगी हुई है, ये बताता है डीसी वोल्टेज को, डीसी वोल्टेज को। फिर इधर जो सिंबल लगा है वो इस तरह का है, जिसके वी के आगे इस तरह वेरिएबल है ये। तो वी का मतलब यहाँ वोल्टेज है। अभी हम बात करते हैं कैसे इनका मेजरमेंट करना है। उसके बाद फिर नीचे आते हैं, तो इधर इधर देखें हम, यहाँ ये जो सिंबल है ये ओम का सिंबल है। ओम 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 जो है वो यूनिट है रेजिस्टेंस की। इसका मतलब ये जो है वो किसका मेजरमेंट करता है, रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करता है। कैसे करता है उसकी बात करेंगे हम आगे। फिर उसके बाद एक सिंबल ये है जिसके अंदर दो सिंबल दिखाई दे रहे हैं, एक डायोड का, एक इस तरह का सिंबल है, ये डायोड है, इस तरह का सिंबल है, एक ये सिंबल है इसके अंदर, ये बजर का सिंबल है, ये डायोड है और ये जो सिंबल है वो है बजर। उसके बाद फिर इधर एम्पियर का सिंबल है ये, आगे स्ट्रेट लाइन और नीचे डॉटेड डॉट, इसकी बात करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन, ये एम्पियर है, करंट की वैल्यू मेज़र करता है ये। इसके बाद नीचे एच एफ ई का सिंबल है, ये ट्रांजिस्टर के बारे में मेज़र करता है। तो इन सब की बात करते हैं अपने वन बाय वन, क्या क्या है। सबसे पहली बात तो ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है, ये सिंबल है डीसी वोल्टेज को मेज़र करने के लिए, डीसी वोल्टेज को। तो यहाँ से ये जो कॉलम, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पूरा एक पार्ट है, ये एक पूरा पार्ट है, और ये पूरा पार्ट मेज़र करता है इसमें डीसी वोल्टेज को। इसके लिए 200 मिली एम्पियर, फिर 2000, फिर 20, फिर 200, इस तरह से दे रखे हैं। तो हमें जो मेज़र करना है हम उसका उपयोग करेंगे। जैसे मेरे पास जो बैटरी है, इस समय जो सेल है वो ये सेल है जो अपने घड़ी में यूज़ करते हैं। इसके जो ईएमएफ है, इसकी जो वैल्यू है वो 1.5 वोल्ट के अराउंड है रहती है, और जो कंपनी देती है उसमें प्लस माइनस 5% या 10% के अराउंड थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज हो सकती है जो नया सेल रहता है उसमें। तो वैल्यू जो इसकी 1.5 वोल्ट के समथिंग है। अब इसके लिए आप इसको 20 वोल्ट पे कर लें। नॉर्मली हमारे पास जो लैब में बैटरी होती है 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 10 वोल्ट तक ये यूज़ करते हैं, तो आप इसे 20 वोल्ट तक यूज़ कर लें, 20 वोल्ट का रखें, तो जिसमें अपने को ये वैल्यू इसकी बता देगा। यहाँ से अपने पास दो लीड हैं, अपने इसको जैसे इसके पॉइंट पे टच करेंगे वैसे इसके अंदर हमें वैल्यू बता देगा, ये इसमें वैल्यू बता रहा है। अब इसके अंदर 1.58 वोल्ट इसकी वैल्यू बता रहा है, सेल की वैल्यू। अब इसमें वैल्यू माइनस में आ रही है, तो माइनस में आ रही है इसका मतलब गलत नहीं है, इसका मतलब है हमने टर्मिनल जो है वो अपोजिट यूज़ किए हैं। जैसे आप टर्मिनल चेंज करके यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो प्लस में बता देगा, ये जो वैल्यू है वो प्लस में आ जाएगी, ये 1.58 वैल्यू प्लस में आ गई। तो इस तरह से अपने इसका डीसी वोल्टेज जो है वो मेज़र कर सकते हैं। अगर वोल्टेज ज़्यादा है, बैटरी बड़ी है, तो आप इसको 200 पे यूज़ कर सकते हो, और भी ज़्यादा है तो 1000 पे यूज़ कर सकते हो, जितनी बैटरी है उसके अकॉर्डिंग हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है दूसरी एसी वोल्टेज की। एसी वोल्टेज जब अपने हमें मेज़र करना है, तो एसी वोल्टेज के लिए क्या करेंगे, ये जो अपने पास एरो है इसको यहाँ से लेकर इस एसी वोल्टेज पर ले आएंगे। यहाँ इसके सामने लिखा है 200 वोल्ट, तो अपने पास घरों में जो वोल्टेज आती है वो आती है, ये एसी वोल्टेज है, वो घरों में जो वोल्टेज आती है वो नॉर्मली आती है 220 वोल्ट। तो जब 200 वोल्ट पे अगर कर रहे हैं अपने उसे, तो 220 वोल्ट तो इससे ज़्यादा है, तो वो इसे मेज़र
नहीं कर पाएगा। इसलिए ऐसी स्थिति में क्या करें, ऐसी कंडीशन में आप इसे 750 पे कर लें, 750 पर, 750 वोल्ट पे कर लें, तो ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो फट के बता देगा कितनी है। एसी वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए क्या करें, एसी वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए घरों में जो अपने वोल्टेज आता है वो एसी वोल्टेज रहता है, उसको मेज़र करने के लिए आप जो सॉकेट लगा रहता है उसमें इस तरह से तीन पॉइंट रहते हैं, जिसमें एक न्यूट्रल का रहता है और एक फेज़ का रहता है। तो आप इसमें एक न्यूट्रल में और एक फेज़ में लगा लें तो जिससे आपको बता देगा कितना है। उसमें कोई इशू नहीं है कि कौन सी टर्मिनल किस में लग गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम अपोजिट भी लगा देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके अंदर हमें वैल्यू पता चल जाएगी। ये दो बातें तो गई वोल्टेज को डीसी को और एसी को मेज़र करने की। अब अपने पास तीसरा जो पॉइंट आ रहा है इसके अंदर, वो है रेजिस्टेंस को मेज़र करने का। ये है, ये क्या बताता है कि रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बताता है ये पॉइंट। रेजिस्टेंस के लिए अपने पास, जैसे मेरे पास ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस में क्या रहता है, चार तरह के इसमें कलर कोड लगे रहते हैं, इससे पता चल जाता है रेजिस्टेंस है ये। तो इसकी वैल्यू देखने के लिए आप क्या करें, इसे रेजिस्टेंस पे ले आए, यहाँ कर लें इसे। अब देखें यहाँ पर भी अलग अलग वैल्यू है, ये रेजिस्टेंस का पार्ट है, ये इतना पार्ट, 200 ओम, 2000 ओम, 20 किलो ओम, 200 किलो ओम, 2000 किलो ओम। तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता नहीं है, तो आप इसको शुरू से देख सकते हैं, किसी पर भी नॉर्मली 2000 पे रख सकते हैं, 20 किलो ओम पे भी रख सकते हैं, किलो का मतलब 1000 है, कि 2000 ओम तक की वैल्यू तो ये बता देगा। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 2000 से ज़्यादा है, 3000 है, तो 3000 इसमें मेजर ही नहीं होगा, तो फिर किलो ओम में जाना पड़ेगा, वो 20000 ओम यानी 20 किलो ओम तक मेज़र कर देगा। 20 किलो ओम से भी ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो फिर 200 किलो ओम पे जाना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ 2000 पे रख लेता हूँ, और जैसे आप इसे लगाएंगे दोनों टर्मिनल पे, तो ये आपको इसकी वैल्यू बता देगा कि कितनी है। इसके अंदर दिखाई दे रही है 23, तो 23 ओम जो है इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू। इस तरह से अपने इसमें रेजिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। अगर ये ज़्यादा हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस है तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसे बढ़ाकर देख सकते हैं। अगर वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसके अंदर 1 लिखाएगा, यहाँ वैल्यू नहीं बताएगा, तो फिर आप ये समझ लें कि वैल्यू ज़्यादा है, वो मेज़र नहीं कर पा रहा है, तो फिर आप उसको आगे 20 किलो ओम पे ले लें, तो उससे पता चल जाएगा कि वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। अब आते हैं अपने बात नेक्स्ट इसके अंदर, कि एम्पियर कैसे मापा जाता है, एम्पियर, फिर बात करेंगे डायोड की, एम्पियर कैसे मापा जाता है। इसके लिए क्या करें, इसको हम यहाँ ले जाएं एम्पियर पे, एम्पियर पे कर लें इसे, और ये 200 मिली एम्पियर बता रहा है, 20 बता रहा है, ये माइक्रो एम्पियर बता रहा है। तो आप इसे ज़्यादा है तो आप इसे 10 एम्पियर पे कर लें, और भी इससे 200 मिली एम्पियर से ज़्यादा है तो 10 एम्पियर से कम वैल्यू है तो 10 एम्पियर तक अपने इसमें मेज़रमेंट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कोई भी सर्किट है हमारे पास, उस सर्किट में हमें इसका यूज़ करना है। जैसे हमारे पास मान लो ये बल्ब जो है वो इस तरह से लगा है, ये कोई बल्ब लगा हुआ है सर्किट के अंदर, ये सर्किट है, यहाँ से हमने इसको कनेक्ट कर रखा है किसी बैटरी से, पॉजिटिव नेगेटिव से, और इसको हम यहाँ से बिजली दे रहे हैं, ये बीच में पॉइंट है। अब हम इस पॉइंट को बीच में से, ये कनेक्शन है कंप्लीट, इसमें से बीच में से क्रॉस कर देंगे, इसको हटा देंगे इस पॉइंट को, और हटा के यहाँ इसके दो पॉइंट हो गए, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। यहाँ जैसे आप इसे कंप्लीट करेंगे, ये लगाएंगे निडल दोनों, तो ये बल्ब ग्लो भी हो जाएगा, क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, इधर से होता हुआ करंट इसमें से होता हुआ आगे पास हो जाएगा, और साथ में ये बता देगा कितने एम्पियर इसके अंदर करंट फ्लो है। तो इस तरीके से बहुत इजी वे में अपने इसका एम्पियर मेजरमेंट कर सकते हैं क्या है। अब बात करते हैं इसमें, इसका भी काफ़ी यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा, और कई चीज़ों में यूज़ होता है इसका, कि इस पॉइंट के बारे में कभी काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि सिंबल इस पर डायोड का भी है, एक ये बजर का सिंबल भी है, और भी इसके एक दो यूज़ किए जाते हैं। क्या क्या है, सबसे पहले बात करते हैं कि हम डायोड की, डायोड का कैसे यूज़ पता चले कि क्या है डायोड। तो डायोड के लिए मेरे पास एक डायोड है, ये डायोड, ये डायोड दिखाई दे रहा होगा। इस डायोड में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक साइड पर सिल्वर कलर की पट्टी लगी होगी, एक साइड पे हर में होगी, ये छोटा डायोड है इसलिए हो सकता है दिक्कत आ रही हो,
ये देखें इधर इस कॉर्नर में एक सिल्वर कलर की चमकती हुई पट्टी दिखाई दे रही है, ये इसका पॉजिटिव पार्ट है। दूसरा इसका नेगेटिव पार्ट है, जैसे ही हम इस पे लगाएंगे तो ये इसकी वैल्यू बता देगा। और यहाँ लगा रहा हूँ मैं इसको, जैसे ये लगा रहे हैं तो इसकी मीटर में वैल्यू आ रही है, तो ये इसका मतलब ये जो डायोड है वो सही है। लेकिन अभी तक इसके बारे में पूरा नहीं पता चला है, इसके लिए हमें एक काम और करना पड़ेगा। वो काम क्या है, जैसे ही हम इसको रिवर्स में लगाएंगे, उल्टा लगाएंगे, इसके कनेक्शन अपोजिट करेंगे, तो हमें पता है डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में काम करता है। फॉरवर्ड रिवर्स बायस क्या होता है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, अपलोड कर देंगे उसको, तो उसमें आप देख लें कि फॉरवर्ड रिवर्स क्या होता है। बाकी कक्षा 12 का सिलेबस हम कर रहे हैं, जिसमें 200 क्लासेस हमने कर ली है, उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करने वाले हैं थोड़े दिनों में, तो उसमें हम इनके बारे में डीपली पढ़ेंगे, पूरा थ्योरेटिकल मैटर क्या होता है, कैसे होता है, सारे प्रिंसिपल्स इनके। तो आपको क्या करना है, दोबारा देख लें, जैसे आप इसे कनेक्ट करेंगे इधर इस पॉजिटिव पार्ट को, तो फिर इसके अंदर कुछ वैल्यूज आएगी। अब आप इसको अपोजिट करके लगाएंगे टर्मिनल्स को, तो क्या होगा, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए, वन ही रहेगा मीटर के अंदर, दिखाई दे रहा है कोई वैल्यू नहीं आ रही। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जब हम पॉजिटिव लगाते हैं तो ये फॉरवर्ड बायस में होता है, और फॉरवर्ड बायस में डायोड काम करता है, इसलिए ये रीडिंग जो है वो केवल फॉरवर्ड बायस में ही देता है। और ये रिवर्स बायस में जैसे हम लगाते हैं, अभी ये फॉरवर्ड बायस है, जैसे हम इसको पलट के रिवर्स बायस में लगाएंगे, वैसे ही इसके अंदर वैल्यू नहीं आएगी। तो ये दो चीज़ें चेक करनी होती है हमें, पहली जब आप लगाएंगे सिल्वर साइड में इधर पॉजिटिव, तो उस कंडीशन में इसके अंदर वैल्यू आएगी, जब हम अपोजिट लगाएंगे तो इसमें कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो एक तो इस तरह से हम डायोड चेक कर सकते हैं कि डायोड सही है या नहीं है। कक्षा 12 के ये उसमें एक्टिविटी में ये सारी बातें हैं कि कैसे डायोड को चेक करना है, कैसे रेजिस्टेंस को चेक करना है, कैसे एलईडी को चेक करना है, तो एलईडी को भी देख लेते हैं। एलईडी का भी हम इसी तरह से चेक कर सकते हैं। एलईडी में क्या होता है, ये मेरे पास एक एलईडी है, ये तो मैं ख़राब किसी शॉप से लेके आया हूँ, किसी ऑपरेटर से, ख़राब ऑपरेटर से निकाल के, लेकिन एलईडी सही है ये। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो लेग होती है, ये दो लेग, इनमें क्या होता है, नया जब होता है ये एलईडी, तो उसके अंदर एक लेग की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है, एक की लंबाई थोड़ी सी कम होती है। जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है उस वो पॉजिटिव लेग होती है, और जिसकी लंबाई कम होती है वो नेगेटिव लेग होती है। तो जैसे ही हम इनको कनेक्ट करते हैं अगर, तो ये क्या होता है, एलईडी ग्लो होने लग जाती है। जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं तो एलईडी यहाँ सर्किट में लगाते हैं तो एलईडी जो है वो ग्लो होने लग जाएगी, ये दिखाई दे रही होगी, ये जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे एलईडी ग्लो हो जाएगी। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि यहाँ एलईडी जो है वो अपनी सही है। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं, ये इस तरह से एलईडी की जांच हम इसमें कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक बज़र और है इसके अंदर, ये देखो ये बज़र है। बज़र जो है वो क्या बताता है, वो कंटिन्यूटी ऑफ वायर बताता है कि कंटिन्यूटी है सर्किट में, कंटिन्यूटी है, वायर सही है या नहीं सही है, वायर में करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है या नहीं जा रहा, वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे हमारे पास कोई भी वायर है, सर्किट के अंदर कोई गड़बड़ होगी तो कैसे पता चले, जो भी दो पॉइंट है उनके बीच में आप ये लगा के देख लें, उससे पता चल जाएगा कि ये सही है या नहीं है। तो जैसे ये एक वायर है मेरे पास, ये एक वायर है, दिखाई दे रही होगी। अब जैसे आप इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे दोनों टर्मिनल, तो ये बजर जो है वो साउंड करेगा और उससे पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ के बीच में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कहीं पर ब्रेक नहीं हो रही है। जैसे हटाएंगे बंद हो जाएगा, देखो जैसे लगाएंगे इसके अंदर बजर की आवाज़ आएगी। ये बजर क्या बता रहा है, ये बजर बता रहा है कि वोल्ट करंट जो है वो यहाँ से होते हुए पूरे में जा रहा है, अगर कहीं से बीच में वायर ब्रेक होगी तो फिर ये बजर नहीं बजेगा, इसकी आवाज़ नहीं आएगी। तो ये जो टर्मिनल है, ये जो पॉइंट है, ये देख लें जिसपे बजर है, डायोड है, ये बहुत काम का है। इसमें एलईडी की आप बता सकते हैं सही है या नहीं है, आप डायोड के बारे में बता सकते हैं इसमें सही है नहीं सही है, और इसके अंदर आप कोई भी कनेक्शन को चेक कर सकते हैं। सर्किट में हमें बहुत दिक्कत रहती है कि कहाँ से कुछ टर्मिनल लूज़ है, तो फिर हम क्या करते हैं, पूरे सर्किट को खोल के बैठ जाते हैं और पूरा फिर दोबारा चेक करते हैं। उससे बेटर क्या है, हर दो टर्मिनल के बीच में आप ये वायर लगा के और चेक कर लें कि कैसे उसका ये वो सर्किट सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। जिन दो पॉइंट के बीच में सही नहीं होगा वहाँ ये बजर साउंड नहीं करेगा, इसका मतलब वो सर्किट जो है वो
उन दो पॉइंट के बीच में वहाँ कोई गड़बड़ है। बाकी इसका जो यूज़ है वो ट्रांजिस्टर के लिए किया जाता है, इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें NPN PNP के बारे में बात करेंगे, कैसे पता चले PNP है, कैसे पता चले NPN है, तो ये बात हम बाद में करेंगे। अब आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी और इस तरह की आगे की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और देखते रहें। कक्षा 11 और 12 का सिलेबस जो है कंटिन्यू RBC और CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहें तो हमारे इस चैनल पे पूरा सिलेबस जो है वो उपलब्ध है, तो उसको आप कंटिन्यू डे 1 से लेकर देखना शुरू करेंगे तो आपको पूरा सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट सारा सिलेबस उस पर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।